हेलो गाइस, तो कैरियर एग्रीगेशन क्या होता है और रेडमी नोट 10 प्रो पर ये सपोर्ट करता है या फिर नहीं करता है, ये एक सवाल आपके माइंड में है, कमेंट्स मैंने देखे हैं। तो उन्हीं के रिप्लाई के बावजूद मैंने कहा कि वहाँ रिप्लाई करने से अच्छा है कि मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूँ और नोट 10 प्रो में कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट करता है या नहीं करता है, ये हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि कैरियर एग्रीगेशन होता क्या है। ये हमारी टेक एक्सप्लेनेशन वीडियो है और ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियोस पाने के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज़ कि कैरियर एग्रीगेशन का मतलब क्या है। अब आप देखते हैं कि नेटवर्क क्या होता है, कि आपके बैंड्स के थ्रू वर्क करता है। आपके नेटवर्क में फ़ोन में जो नेटवर्क आता है वो टावर से निकल करके आपके जो बैंड्स हैं उसके थ्रू आपके फ़ोन में आता है। अब सिंगल बैंड है अगर आपका जो चैनल है, जिस टाइप का चैनल ही होता है, क्योंकि चैनल का मतलब होता है, ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब चैनल हैं, एक हमारा चैनल होता है जिसके अंदर से जो बैंड्स वगैरह हैं, कैरियर जिसको आप कैरियर बोलते हैं, अगर हम आम भाषा में बोले कि सिग्नल आप पास कर सकते हैं उस चैनल के थ्रू, तो एक चैनल होता है, उस चैनल के थ्रू नेटवर्क आएगा, उसके बाद आपके मोबाइल में वो एंट्री करेगा। लेकिन कैरियर एग्रीगेशन का मतलब क्या है, बैंड्स के थ्रू आएगा। अब सिंगल बैंड है, अगर कैरियर एग्रीगेशन आपका मोबाइल सपोर्ट नहीं करता है तो सिंगल बैंड का सिंगल बैंड ही आपको आउटपुट मिलेगा। और अगर आपका मोबाइल कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट करता है तो ऐसा होगा, मान लीजिए कि उस टावर से 1, 2, 3, 4, 5 वेवफॉर्म्स निकल रही हैं, 5 टाइप के जो नेटवर्क्स हैं वो निकल रहे हैं अलग अलग बैंड्स पर, अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर। तो उन पांचों फ्रिक्वेंसी को वो मैनेज करके जितने भी वो कैच कर पाएगा उस टाइम उसके रेंज में होंगी, मोबाइल के रेंज में होंगी, उन सबको मिक्सअप करके वो एक वेव फॉर्म बना देगा, तीनों को, चारों को, पाँचों को समअप करने के बाद में, पाँचों को जोड़ने के बाद में। मान लीजिएगा अगर 20 मेगाहर्ट्ज की अगर मान लीजिए 5 वेव फॉर्म है, तो उनको मिला करके आपको 100 मेगाहर्ट्ज का आउटपुट मिल जाएगा। ये मेगाहर्ट्ज वगैरह सिर्फ एक एग्जांपल है, जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी हर्ट्ज में भी हो सकती है, किलो हर्ट्ज में भी हो सकती है और मेगाहर्ट्ज में भी हो सकती है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कुछ टाइप का एग्जाम्पल है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो एक सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सिंपल सी ट्रिक क्या है कि जब आपने देखा होगा वायर लेंगे आप, पांच वायर को बिल्कुल लपेट देंगे और उससे सिंगल वायर बना देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि वो कैरियर एग्रीगेशन हो गया है। वो पांच एक नेटवर्क थे, उस पांच नेटवर्क से आपने जोड़ के एक नेटवर्क बना दिया, यानी कि पांच की ताकत अब एक के अंदर आ गई है। तो इसी टाइप से कैरियर एग्रीगेशन भी सपोर्ट करता है और कैरियर एग्रीगेशन भी इसी टाइप से वर्क करता है। अब रेडमी नोट 10 प्रो में वर्क करता है या नहीं करता है, ये चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, 4G, जैसे मेरा नेटवर्क 4G है, अगर एक कैरियर एग्रीगेशन को सपोर्ट करेगा तो वहाँ पर 4G प्लस लिखा हुआ आएगा। और एक कैरियर एग्रीगेशन मोस्टली LTE डिवाइस ही मिलता है, लाइक 4G वगैरह जो है उनमें ही देखने के लिए मिलता है। तो ये 4G डिवाइस जो सपोर्ट करती हैं, आने वाले टाइम 5G डिवाइस भी सपोर्ट करेंगी, तो वहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिलता है, 4G प्लस लिखा हुआ आएगा, तभी वहाँ पर जो आपकी स्पीड नेट की वो भी इम्प्रूव हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे आप नेट की स्पीड का, अगर आपका फ़ोन कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट करता है तो। तो मैंने टेस्ट किया रेडमी नोट 10 प्रो को कैरियर एग्रीगेशन के लिए नेट मोस्टर ऐप के थ्रू, तो वहाँ पर मैंने देखा कि हाँ भाई ये 4G प्लस भी आ रहा है और वहाँ पर ये मल्टीपल बैंड्स को सपोर्ट भी कर रहा है नोट 10 प्रो रेडमी का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जो डाउट्स हैं वो रेडमी नोट 10 प्रो के बारे में क्लियर हो गए होंगे और कैरियर एग्रीगेशन के बारे में भी क्लियर हो गए होंगे कि कैरियर एग्रीगेशन क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने अच्छे से समझाया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।